दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ रुसलन फिल्म के टीजर के बारे में। यहाँ पे आयुष शर्मा की ये अपकमिंग फिल्म है, फोर्थ फिल्म है, और इसका टीजर देखने के बाद मैं एक बात कह सकता हूँ कि कम बजट में एक काफ़ी ठीक ठाक एक्शन फिल्म को बनाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे एक्शन सीन्स को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन कुछ सीन्स में देखकर ऐसा लगेगा, खासकर एडिटिंग में ऐसा लगेगा देखकर कि यार यहाँ पे जो फिल्म है, फिल्म को काफ़ी कम बजट में बनाया जा रहा है। फिल्म में आयुष शर्मा के साथ साथ जगतपति बाबू भी एज अ यहाँ पे पुलिस वाले के रोल में, पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं, और एक्शन सीन्स को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। आयुष शर्मा यहाँ पे रुसलन के रोल में है। एक प्राउड मुस्लिम, एक प्राउड इंडियन मुस्लिम की यहाँ पे कहानी है, जो किस तरीके से अपने देश को बचाएगा, या शायद हो सकता है कि इसमें एक रॉ का या एक इंटेलिजेंस एजेंसी का एक छोटा सा लुक, एक छोटा सा ट्रायंगल आपको फिल्म में नजर आए। ये मेरा परसेप्शन है। अब देखना ये है कि क्या होती है फिल्म। फिल्म में ये जो टीजर आया, इसका आखिरी जो मैंने एक डायलॉग सुना कि आयुष शर्मा कह रहे हैं कि उन्होंने कुरान तो पढ़ी है, और कुरान में अल्लाह के अलावा जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है वो है आपके खुद का देश, और जो देश है इनका वो भारत है, ऐसे दिखाया गया है। तो आखिरी का डायलॉग काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग था, ये मैं कह सकता हूँ। तो ओवरऑल जो टीजर था, टीजर इज एंगेजिंग, ओके ओके, एवरेज टीजर है। एक कम बजट में अच्छी एक्शन फिल्म बनाने की कोशिश करी है, और आयुष शर्मा को मुझे लगता है ज़रूरत भी है एक अच्छे फिल्म की। अंतिम द फाइनल ट्रुथ में आपने उन्हें देखा होगा, लव यात्री में आपने उन्हें देखा होगा, लेकिन वो फिल्म उतनी नहीं चली, अंतिम मैं मान सकता हूँ चली होगी। अब देखना यह है रुसलन नाम की ये फिल्म किस तरीके से चलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा नामी एक्टर्स तो नहीं है, लेकिन टैलेंटेड एक्टर्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे को स्टार्स के पोजिशन पे। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन टीजर इज ओके, एवरेज टीजर है, 3 स्टार्स दूंगा 5 में से। आपका क्या है टेक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।